नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय की अध्यक्षता में नारी शक्ति वंदन अभियान कार्यक्रम की बैठक बेनीगंज पार्टी कार्यालय पर सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने बताया कि भाजपा 2024 के चुनाव को ध्यान में रख करके अपने संगठन के माध्यम व विभिन्न अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में जाने का कार्य प्रारंभ की है, जिसको देखते हुए यह नारी शक्ति अभियान महानगर की कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में हमारे सभी पदाधिकारी शक्ति केंद्र से लेकर जिले और मंडल, ऐसे हमने उसकी टोली बनाई है, उन सभी टोलियों को प्रशिक्षित किया गया है। यह महिला शक्ति वंदन अभियान के तहत हम आने वाले जितने भी एनजीओ और जो स्वयं सहायता समूह हैं उनसे संपर्क करके भाजपा के केंद्र व प्रदेश की जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया जाएगा और उनको जोड़ा जाएगा। इसके लिए अलग अलग दिन कार्यशाला की जाएगी। हम सभी गाँव चलो अभियान में भी जा रहे हैं और गाँव चलो अभियान में जो प्रदेश और केंद्र की मंशा है, जिस प्रकार से हमें बूथ की बैठक, बूथ के समिति का सत्यापन, पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक और जो विभिन्न प्रकार के 14 प्रकार के अलग अलग काम हम सभी गांव चलो बूथ चलो अभियान में करने वाले हैं, उसको भी हम सभी समय से चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे एवं जो हमारी बूथ समिति में जो भी करेक्शन होगा, शायद बूथ समिति भी पूरे प्रदेश में करेक्शन करा के पहली स्थान पर जमा करने में गोरखपुर महानगर का नंबर आएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। एवं जो इस गांव चलो अभियान की दृष्टि से सभी मंडलों में हम सभी ने एक एक अपने प्रभारी जो हमारे हैं उनको लगाया गया है इसकी पूरी मॉनिटरिंग के लिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा, जनता पार्टी 2024 के चुनाव को ध्यान में रख करके अपने संगठन के माध्यम से विभिन्न अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में जाने का काम प्रारंभ की है। उसी के संदर्भ में आज हमारे शक्ति बंधन अभियान ये की जिले महानगर की कार्यशाला है और इस कार्यशाला में हमारे सभी पदाधिकारी नीचे शक्ति केंद्र से लेकर के मंडल, मंडल से जिले, ऐसे हमने उसकी टोली बनाई है और उनको आज प्रशिक्षित किया है। और इस शक्ति बंधन अभियान के तहत हम आने वाले जितने भी हमारे एनजीओ हैं, स्वयं सहायता समूह हैं और समाज जीवन में काम करने वाले जितने भी एनजीओ हैं उनसे संपर्क करना, उनको भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना और उस अवगत के माध्यम से उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना, इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम लिया है। उसी के संदर्भ में आज हमारी ये कार्यशाला रही है और इस कार्यशाला के माध्यम से अलग अलग उसके कार्यक्रम बने हैं। हम 10 फरवरी है, फिर 11, 12, 13 फरवरी है, ऐसे अलग अलग चरण में इस अभियान को हम लोग चलाने वाले हैं। उसी के संदर्भ में आज हमारी ये कार्यशाला रही है और आगे के दिनों में उस कार्यशाला के माध्यम से हम उस अभियान को नीचे तक ले जाने का प्रयत्न करेंगे।